सो हे गाइस, फाइनली ह्युंडई ने अपनी 2020 क्रेटा को आज इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया है, प्राइस रिवील कर दी है एंड प्राइस चार्ट में आगे इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। साथ ही साथ इसका वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट कौन सा है वो भी आज अपन इस वीडियो में पता करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक अपडेट आप लोगों के लिए, अगर आप लोग इंस्टाग्राम पर ज्वाइन नहीं है तो आज सुबह जो लाइव लॉन्च इवेंट चल रहा था क्रेटा का, उससे मैंने कई सारे अपडेट्स आप लोगों के वहाँ पर इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर करे थे। डेली ऑटोमोबाइल्स रिलेटेड अपडेट्स वहाँ पर शेयर करता रहता हूँ, तो वहाँ पर आप ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। प्राइस चार्ट आप लोग यहां पर देख सकते हैं। 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन जो है वो सिर्फ और सिर्फ लॉन्च किया है EXS, SX एंड SX ऑप्शनल वेरिएंट में, यानी कि E में नहीं है। तो प्राइस स्टार्ट होती 9,99,000 रुपीज की EX वेरिएंट की। S की बात करें तो 11,72,000, SX 13.46 मैनुअल में, ऑटोमेटिक में 14.94 लाख रुपीज। SX ऑप्शनल सिर्फ और सिर्फ ऑटोमेटिक सीवीटी गियरबॉक्स के साथ में अवेलेबल है 16.15 लाख रुपीज के एक्स शोरूम दिल्ली प्राइस पे। आ जाते हैं 1.4 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन पे, तो यहाँ पर आपको 1.4 लीटर के अंदर सिर्फ 7 स्पीड डीसीटी गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलता है एसएक्स एंड एसएक्स ऑप्शनल वेरिएंट में 16.16 लाख एसएक्स के लिए, 17.20 लाख रुपीज एसएक्स ऑप्शनल के लिए। 1.5 लीटर सीआरडीआई डीजल इंजन की बात करें तो ये आपको सभी वेरियंट्स में मिल जाता है एंड टॉप वेरियंट जो है दोनों एसएक्स एंड एसएक्स ऑप्शनल, उसमें आपको 6 स्पीड का ऑटोमेटिक टॉक कन्वर्टर गियरबॉक्स भी ऑफर किया गया है। ई वेरिएंट 9,99,000 रुपीज़ में, ईएक्स 11,49,000 रुपीज़ में, एस वेरिएंट 12,77,000 रुपीज़ में, एसएक्स 14.51 मैनुअल के लिए, 15.99 ऑटोमेटिक टॉक कन्वर्टर के लिए, एसएक्स ऑप्शनल 15.79 मैनुअल के लिए, 17.26 स्पीड टॉक कन्वर्टर के लिए। तो ये है 2020 क्रेटा की प्राइस। ऑल न्यू 2020 क्रेटा कितने कलर्स में अवेलेबल है ये बहुत ज़्यादा कमेंट्स में जो है पूछा जाता है, वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। फिर वेरिएंट्स के बारे में बात करते हैं, उससे पहले एक बार आप इस गाड़ी का जो है ऑफिशियल वीडियो जो है वो एंजॉय कर लीजिए। There's a reason for all things to be. Open sunroof. What good is the sun if it doesn't glow? What good is sound if it isn't rich? And the air, if it isn't pure. What good is an SUV if it's not a Creta? All new Creta, the ultimate SUV. अब आ जाते हैं कलर्स के ऊपर। तो यहाँ पर 2020 Hyundai Creta अवेलेबल है कई सारे कलर्स में, जैसा कि सिल्वर, व्हाइट, रेड, ब्लू, ऑरेंज, ब्लैक, ग्रे कलर आप लोग ले सकते हैं 1.5 लीटर पेट्रोल एंड डीजल वर्जन में। बट अगर आप टर्बो वेरिएंट पसंद कर रहे हैं तो सिर्फ 3 कलर ऑप्शन ही आपको मिलेंगे। ये 3 कलर्स हैं आप लोगों की स्क्रीन के सामने, वाइट विथ ब्लैक, रेड विथ ब्लैक एंड डीप फॉरेस्ट सिंगल टोन ग्रे कलर। तो आप लोगों ने देखा कि ये जो डीप फॉरेस्ट कलर है वो दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है एंड उसका एक रिव्यू भी चैनल के ऊपर मैं आप लोगों के साथ में बहुत जल्द शेयर करने वाला हूँ। तो मेक श्योर आप चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाले बटन को प्रेस कर सकते हैं। एंड दोनों अलॉय व्हील्स जो अलग अलग दिख रहे हैं, एक आपको एसएक्स वेरिएंट के दिख रहे हैं और एक आपको एसएक्स ऑप्शनल वेरिएंट के दिख रहे हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुका है। अब चलते हैं सबसे पहले विदाउट वेस्टिंग ऑफ एनी टाइम वेरिएंट के बारे में बात कर लेते हैं, कौन से फीचर्स आपको किन किन वेरिएंट में देखने को मिलेंगे। तो ई वेरिएंट की जो फीचर्स लिस्ट है वो आप लोगों के सामने है, थोड़ा सा रीड करके आप लोगों की हेल्प कर देता हूँ। ड्यूल एयरबैग, ABS, EBD, रियर पार्किंग सेंसर, हाई स्पीड अलर्ट, फ्रंट ऑक्यूपेंट सीट बेल्ट रिमाइंडर, स्पीड सेंसर डोर लॉक, इंपैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक, प्रोजेक्टर हेडलैम्प, ड्यूल टोन बम्पर, ब्लैक रेडिएटर ग्रिल, फ्रंट एंड रियर स्कीड प्लेट, LED टेल लैम्प्स, बॉडी कलर्ड रियर स्पॉइलर, सिल्वर साइड सील गार्निश, सिल्वर BNC पिलर गार्निश, 3.5 इंच मोनो TFT मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले, ग्रे एंड ब्लैक इंटीरियर कलर स्कीम, डी कट फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग व्हील, टिल्ट एडजस्टेबल स्टेयरिंग, 12 वोल्ट पावर आउटलेट, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, कूल्ड ग्लो बॉक्स, मैनुअल एयर कंडीशन विद इको कोटिंग, रियर एयर कंडीशनिंग वेंट, सेंट्रल लॉकिंग, रिमोट लॉकिंग, ऑल राउंड पावर विंडोज, पावर एडजस्टेबल विंग मिरर, लेन चेंज इंडिकेटर, गियर शिफ्ट इंडिकेटर। तो ये सभी फीचर्स आपको ई में मिल जाते हैं। ई एक्स पर आते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को शार्क फिन एंटीना, 8 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम विथ FM रेडियो, ब्लूटूथ आई ब्लो ऑडियो रिमोट ऐप, फ्रंट USB चार्जर, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन, आर्कनिक साउंड सिस्टम, 4 स्पीकर, 2 ट्विटर, स्टेयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स जैसे फीचर्स आपको ई एक्स में देखने को मिलेंगे। अब एस वेरिएंट पे आ जाते हैं तो 16 इंचेस के स्टाइल स्टील व्हील, फ्रंट फॉग लैंप, सिल्वर रूफ रेल्स, ग्लॉसी क्रोम फ्रंट ग्रिल, फुल क्लॉथ सीट फैब्रिक, मेटल फिनिश ऑन इनसाइड डोर हैंडल्स, लेदर रैप्ड गियर नॉब,
रियर यूएसबी चार्जर, रियर पार्किंग कैमरा, ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, कीलेस एंट्री एंड पुश बटन स्टार्ट स्टॉप, रियर वाइपर विद वॉशर, ऑटो लाइट कंट्रोल, रियर साइड विंडो मैनुअल कर्टन्स, ये सभी आपको एस वेरिएंट में मिलते हैं। तो कई सारे फीचर्स अच्छे अच्छे ऐड हो जाते हैं। एस एक्स की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको 17 इंचेस के क्लीन सिल्वर अलॉय व्हील्स मिलेंगे, ESC, VSM, HSE फीचर्स, ये सेफ्टी फीचर्स हैं, ऑफ कोर्स रियर डिस्क ब्रेक, क्रोम आउटसाइड डोर हैंडल्स, पेडल लैंप, LED DRL, लेदर रैप स्टेयरिंग व्हील, एम्बिएंट लाइटिंग, रियर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर, एडजस्टेबल रियर सीट हार्डरेस्ट, 10.25 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, पैनारोमिक सनरूफ, LED मैप एंड रीडिंग लैंप्स, वायरलेस चार्जर, इलेक्ट्रिक फोल्डिंग विंग मिरर, वन टच डाउन ड्राइवर साइड विंडो, 60-40 स्क्रीन सीट, रिक्लाइन रियर बैकरेस्ट जैसे फीचर्स SX में आते हैं। SX ऑप्शनल जो कि टॉप एंड वेरिएंट है, 17 इंच डायमंड कट अलॉय व्हील्स, 6 एयरबैग्स, 7 इंच इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 8 स्पीकर बोस प्रीमियम साउंड सिस्टम, रिमोट इंजन स्टार्ट स्टॉप, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट, पावर ड्राइवर सीट, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड फंक्शन, ये सभी फीचर्स आप लोगों को मिलेंगे SX ऑप्शनल वेरिएंट में। अब एक बार प्राइस चार्ट फिर से आप लोग देखिए एंड जो वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट मुझे दिखाई दे रहा है वो है EX वेरिएंट। EX वेरिएंट की प्राइस भी काफ़ी कम है एंड आपको फीचर्स भी काम के सारे मिल जाते हैं, जैसा कि 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो सपोर्ट करेगा और दूसरे भी कई सारे फीचर्स मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। EX वेरिएंट तो शार्क फिन एंटीना मिल जाता है जो कि लुक आपकी गाड़ी को बढ़ाएगा, आर्केमिक का साउंड सिस्टम है, स्टेयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स है एंड बाकी तो बेस वेरिएंट में काम के सारे फीचर्स आपको मिल ही जाते हैं, प्रोजेक्टर हेडलैम्प वगैरह जो आपको डेली यूज़ में रिक्वायर पड़ते हैं। तो EX वेरिएंट जो है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा प्राइसिंग के हिसाब से एंड वैल्यू फॉर मनी भी है। अगर आप पेट्रोल में लेने जाएंगे तो आपको 11 लाख रुपए के आसपास ऑन रोड पड़ जाएगा और डीजल में लेने जाएंगे तो 12.5 लाख रुपए से 13 लाख रुपए के आसपास आपको ऑन रोड पड़ जाएगा। तो EX वेरिएंट लेके अगर आपको कुछ कॉस्मेटिक अपडेट्स भी करने हैं तो आप उसके अंदर कर सकते हैं। ये हो गया वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट। बाकी अगर आपको प्राइस की दिक्कत नहीं है तो SX ऑप्शनल जैसे वेरिएंट आप लोगों के लिए अवेलेबल है जिन्हें आप अच्छे से परचेस कर सकते हैं। तो काम के सभी फीचर्स आपको EX वेरिएंट में मिल जाते हैं। अब EX वेरिएंट का और SX ऑप्शनल मतलब ऑलमोस्ट सभी वेरिएंट्स का जो है रिव्यू आप लोगों के साथ मैं चैनल पर शेयर करने वाला हूं। तो मेक श्योर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाले बटन को प्रेस कर लें एंड कास्ट बाइक स्कूल से रिलेटेड न्यूज रिव्यूज कंपैरिजन वाली वीडियो रेगुलर हम लोग पोस्ट करते रहते हैं तो उसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशन पर मार कर लें ताकि आपको सभी अपडेट्स मिल जाए, कोई भी अपडेट जो है आप लोग मिस ना करें। अब सुबह आज एक और जो है लॉन्च इवेंट हुआ था उसमें कंपनी ने कुछ इसके जो है हाईलाइट शो करे थे 2020 Hyundai Creta के, वो मैं आप लोगों को जो है बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो इसके अंदर आपको ट्रैक्शन मोड मिल जाता है जैसे कि स्नो सैंड एंड मड, अलग अलग टेरेन पर जब आप जाएंगे इस गाड़ी को लेके तो अलग अलग मोड यूज़ कर सकते हैं, उससे आपकी स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी साथ ही साथ आपको ड्राइव करने में जो है थोड़ा सा ज़्यादा मज़ा आएगा और उस टेरेन के अकॉर्डिंग जो है आपको गाड़ी पावर टॉर्क जो है प्रोवाइड करेगी, उसमें आप लोग जो है ड्राइविंग का थोड़ा सा ज़्यादा मज़ा ले पाएंगे। तो ये फीचर इस गाड़ी के अंदर अवेलेबल है, इस सेगमेंट में ये फीचर काफ़ी अच्छा है अगर दिया जाता है तो। बाकी अपन जो फुल साइज़ SUV देखते हैं जो 4x4 कैपेबिलिटी के साथ आती है उनमें ये सभी फीचर्स देखने को जनरली दी मिलते हैं। अब अगर बात करें वारंटी की तो यहाँ पर आपको 3 साल की अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी मिलती है, 4 ईयर की अगर आप लेना चाहते हैं तो 60,000 किलोमीटर की मिलेगी, 5 ईयर की लेना चाहते हैं तो 50,000 किलोमीटर की मिलेगी। और साथ ही Hyundai ये भी दावा करती है कि सेगमेंट में लोवेस्ट कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस होने वाली है Hyundai Creta की। और तो और एज एन कॉम्प्लीमेंट्री आपको 3 ईयर का ब्लू लिंक सब्सक्रिप्शन फ्री में दिया जाएगा, 3 ईयर का मैप अपडेट दिया जाएगा, 3 ईयर्स की रोड साइड असिस्टेंस भी Hyundai की तरफ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाने वाली है अगर आप नई Creta परचेस कर सकते हैं। अब इस गाड़ी के अंदर जो हाइलाइट्स हैं वो है कंपनी की तरफ से 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट डिस्प्ले जो कि काफ़ी अच्छा टच फीडबैक प्रोवाइड करेगा और दिखने में काफ़ी अच्छा है और कई सारे फीचर्स से लेस है जैसे कि ब्लू लिंक में आपको इसमें ऑलमोस्ट 53 से 55 कनेक्टेड फीचर्स मिल जाते हैं, 8 स्पीकर साउंड सिस्टम मिलता है बॉस का और उसका साउंड जो है इंडियन मार्केट में इस सेगमेंट में सबसे अच्छा होने वाला है ऐसा Hyundai का कहना है, बट मुझे यहाँ पर बात याद आ जाती है टाटा हैरियर के हार्मोन कार्डियन साउंड सिस्टम की जो कि अभी तक उसका रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं पाया है। टाटा हैरियर जिस बजट में अवेलेबल है उससे डबल प्राइस भी अगर आप पे कर देते हैं तो भी उससे ज़्यादा अच्छा साउंड नहीं मिलता है, बट देखते हैं एक बार कि बोस का ये जो Hyundai Creta में पर्टिकुलर साउंड सिस्टम आया है वो कैसा है। बात करें अगर माइलेज की तो यहाँ पर आपको Creta के अंदर 16.8 KMPL का माइलेज क्लेम किया गया है 1.4 लीटर टर्बो GTI पेट्रोल इंजन के अंदर। वहीं अगर बात करें
पेट्रोल में और डीजल में 1.5 लीटर इंजन की, तो पेट्रोल में 16.8 kmpl और डीजल में 21.4 kmpl का बेस्ट इन सेगमेंट माइलेज क्लेम किया गया है, जो कि अगेन सेगमेंट में काफ़ी अच्छा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सेल्टोस से ये माइलेज ज़्यादा कैसे दे रही है, इंजन तो सेम है। एक्चुअली बॉडी टू वेट रेशो जो है वो बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देता है गाड़ी के माइलेज एंड परफॉर्मेंस में। बाकी इस गाड़ी के जो एरोडायनामिक्स है वो सेल्टोस से थोड़े से ज़्यादा अच्छे हैं इन टर्म्स ऑफ माइलेज डिपार्टमेंट, तो दैट्स वाई क्रेटा थोड़ा सा ज़्यादा माइलेज जो है 0.3 टू 0.4 kmpl हर एक इंजन में ज़्यादा आपको प्रोवाइड कर देगी कंपेयर टू सेल्टोस। अब इस गाड़ी के अंदर कुछ स्ट्रेंथ्स से रिलेटेड बात करिए, ह्युंडई का ऐसा कहना है कि ये गाड़ी दो अमेरिकन जो फुल साइज एलिफेंट होते हैं उनका वेट एक अपनी चेसिस के ऊपर रख कर उठा सकती है, और उस टाइम पे भी इसका चेसी जो है वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से प्रॉपर कंडीशन में रहने वाला है। तो इस टाइप का जो है इसका इतना अच्छी क्वालिटी का चेसी जो है उन्होंने ह्युंडई क्रेटा के लिए बनाया है, एंड दैट्स वाई वो थोड़ा सा प्रीमियम चार्ज भी पे कर रहे हैं, क्योंकि उनके प्रीमियम जो है मटेरियल्स का, मेटल्स वगैरह का जो है उन्होंने यूज़ करा है। बाकी व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट कंट्रोल, 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबिलिटी कंट्रोल, रियर डिस्क ब्रेक, हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल जैसे फीचर्स कंपनी ने सेफ्टी के लिए दिए ही हुए हैं इस गाड़ी में। और तो और इस गाड़ी में जो है आपको स्पोर्ट्स, इको, सिटी मोड भी जो है दिए जाते हैं। स्मार्ट टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसके अंदर आप लोगों को जो है वायरलेस चार्जिंग, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट, पैडल शिफ्टर्स, ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर, 8-way इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट जैसे फीचर्स मिलते हैं। एंड कंफर्ट की एक बार बात कर लेते हैं तो इसमें कंपनी ने जो कंफर्ट के फीचर हाईलाइट करे हैं वो है 2-tone ब्लैक गेज इंटीरियर, लेदर रैप्ड डी कट स्टीयरिंग, ड्राइवर सेंट्रिक कंसोल, सूटिंग ब्लू एम्बिएंट लाइटिंग, फ्लश लेदरेट अपहोल्स्ट्री जैसे फीचर्स कंपनी ने ऐड करी है 2020 ह्युंडई क्रेटा में। तो ऑलमोस्ट सभी अपडेट्स में आप लोगों को ह्युंडई क्रेटा से रिलेटेड दे चुका हूँ। बहुत जल्दी इस गाड़ी का आपको एक ड्राइव रिव्यू भी जो है चैनल के ऊपर मिलने वाला है। मीडिया ड्राइव एक्चुअली पोस्टपोन कर दी है, 21 एंड 22 को मैंने जाना था बट अब वो पोस्टपोन हो गई है, तो थोड़े टाइम बाद में जैसे ही मेरे पास अपडेट आती है तो इंस्टा पर अपडेट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, तो वहाँ पर मैं आप लोगों के साथ में एक डिटेल्ड ड्राइव रिव्यू ह्युंडई क्रेटा का चैनल के ऊपर अपलोड करूंगा। वॉक अराउंड रिव्यू जो है हर एक वेरियंट के कल से आना चैनल के ऊपर स्टार्ट हो जाएंगे। सो गाइस अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन नहीं है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन हो सकते हैं। मिलते हैं ऐसी कल अगली वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, हाफ फ्रेंड्स ड्राइव सेफ। Thank you.